हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल या न्यूक्लियर फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने डिटेक्टर्स पढ़ रहे थे, डिटेक्टर क्या है आपको पता चल गया होगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैसेस डिटेक्टर भी आपको समझ आया होगा, और गैसेस डिटेक्टर के फर्दर टाइप्स कैसे बने आपको ये भी प्रिंसिपल देख के समझ आया होगा कि अलग अलग, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों आपस में वेरी कर रहे हैं, तो वोल्टेज को चेंज करते जाओ तो अपने पास अलग अलग काइंड ऑफ डिटेक्टर्स आ रहे थे। जैसे आयनाइजेशन डिटेक्टर आया हमारे पास, फिर प्रोपोर्शनल आया, फिर गीगर मोलर काउंटर आया। इन तीनों डिटेक्टर्स का अलग अलग काम है, अलग अलग स्पेशलिटी है इन तीनों डिटेक्टर्स की, ठीक है। तो अपने अब करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर, जो पहला डिटेक्टर है। इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन कोष्ठ। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आयनन कोष्ठ की संरचना को बताते हुए उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करो, या इसके साथ में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखो। तो पेपर में ये जो जितने भी मैं टॉपिक करवाऊंगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैसियस डिटेक्टर, ये भी बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसको हिंदी में बोलते हैं आयनन कोष्ठ। ये एक तरीके का डिटेक्टर है। डिटेक्टर का क्या काम होता है ये तो आपको पता चल ही गया। डिटेक्टर का काम क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन या रेडियोएक्टिव एलिमेंट से किसी भी रिएक्शन में किसी टाइप के पार्टिकल्स या रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स या रेडिएशंस की पहचान करना, या उन पार्टिकल्स पे चार्ज पॉइंट अप करना, या उन पार्टिकल या रेडिएशन की एनर्जी को निकालना, या उनके मोमेंटम को निकालना, ये सारा काम एक डिटेक्टर का होता है। और साथ ही साथ उन चार्ज पार्टिकल्स को काउंट करना भी डिटेक्टर का काम होता है। वो अपने आज अपने पहला डिटेक्टर कर रहे हैं, उसका नाम है आयनाइजेशन डिटेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयनन कोष्ठ। तो देखो, आयनन कोष्ठ डिटेक्टर मैंने कल आपको, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल याद होगा तो मैं या बेसिक प्रिंसिपल से बाद में रिलेट करते हैं। पहले इसकी आप बनाओगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होते, जैसे जैसे चैम्बर आएंगे वैसे वैसे उसके स्टेप बाय स्टेप काम करना है, स्ट्रक्चर करनी है, वर्किंग करनी है, उसके एडवांटेजेस बताने हैं, उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, सबका सेम प्रोसेस है। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास क्या है, एक मेटालिक बॉडी, जैसा कि प्रिंसिपल में कर रहे थे, ये एक मेटालिक बॉडी, कैसी, सिलेंड्रिकल मेटालिक बॉडी, धात्विक बेलनाकार नली या ट्यूब, ठीक है। और इसको क्या किया था मैंने, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, यहाँ पे भी मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने वहां पे उस चैम्बर की बॉडी को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, सेम यहाँ पे कर रही हूँ। सेंट्रल एक्सिस के अलोंग क्या है, एक वायर लगी हुई है, थिन वायर लगी हुई है, पतली सी वायर लगी हुई है। इस वायर का काम सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाना या सर्किट को, मतलब एनोड और कैथोड बनाना, एज ए इलेक्ट्रोड वर्क करता है, ठीक है। इस एक्सिस के अंदर क्या है, हमारे पास क्या है, सेंट्रल वायर लगी हुई है, ठीक है, थिन सेंट्रल वायर लगी हुई है। अब इसको क्या किया, किसी लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा होता है इनके अंदर, इन सर्किट के अंदर, और इस लोड रेजिस्टेंस आरएल से कनेक्ट करने के बाद इस लोड रेजिस्टेंस से जो वायर होती आ रही है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। मतलब ये जो सेंट्रल वायर थी ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये है लोड रेजिस्टेंस आरएल, और इस लोड रेजिस्टेंस आरएल पे क्या किया, ये कैपेसिटर है, ये वोल्टेज सोर्स या बैटरी है। इस लोड रेजिस्टेंस आरएल पे अपने को क्या मिलती है, पल्स मिलती है। इस पल्स को ये अपने पल्स काउंटर, पल्स काउंटर या फिर एम्पलीफायर की हेल्प से इसको एम्पलीफाई करके इस आउटपुट में जो करंट या जो पल्स मिल रही है, इसी की स्टडी करके अपने को पता चलता है कि जो चार्ज पार्टिकल इस चैम्बर के अंदर इंसिडेंट हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, उसकी नंबर ऑफ कितने अमाउंट में एंटर करने हैं, उनके ऊपर चार्ज क्या है, या उनका आइडेंटिफिकेशन ही क्या है। तो ये चीजें इस पल्स को पढ़ के पता चलता है। यहाँ पे पल्स काउंटर या फिर एम्पलीफायर्स होते हैं। एम्पलीफायर्स का काम होता है कि आउटपुट में जो भी करंट है उसको एम्पलीफाई कर दो ताकि उसको स्टडी लायक बनाया जा सके। अगर या पल्स को काउंट करके हम पार्टिकल्स के मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने एंटर किया वो बता सकते हैं। सेम प्रोसेस जहाँ पे ये था कि एनोड और कैथोड के बीच में कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाया हुआ था, इंसुलेटिंग मटेरियल, सेम मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग मटीरियल। अब ये एज अ बॉडी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये एज अ कैथोड काम कर रही है, और ये जो सेंट्रल वायर है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये एज अ एनोड काम कर, ठीक है। क्या थोड़ा नोट समझ आए होंगे। अब सर्किट के इस
चैम्बर के अंदर क्या होता है, कोई भी हम गैसेस भरी होती है, क्योंकि हमारा डिटेक्टर गैस है, गैसियस डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर के अंदर मान लो हाइड्रोजन या फिर एयर या फिर ऑर्गन CH4 या आर्गन CO2, मतलब नोबल गैस के या तो कोई कंपाउंड भरे हुए या सूटेबल प्रेशर पे हवा या फिर सीधी नॉर्मल हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, गैसियस डिटेक्टर है, इसीलिए गैसेस भरी गई है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे इस चैम्बर के अंदर कोई आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एंटर करेगा, या कोई जिसको अपने को डिटेक्ट करना है, जैसे कोई आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है तो अपने को पता है क्या आएगा, ये आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, कोई एटम पड़ा है, एटम के आउटर मोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल आया, इसके साथ स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में मतलब अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट ये चार्ज पार्टिकल किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एटम को छोड़ देगा और एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करने लगेगा, और यहाँ से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, मतलब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होना। एंड पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट इट जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, रिमेनिंग एक पॉजिटिव आयन। तो मतलब चार्ज पार्टिकल ने क्या किया, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। जब इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखो गया, या जब भी इन चैम्बर्स को करते हो तो इन सबका जो गैसियस चैम्बर है, इन तीनों का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आयोनाइजेशन ऑफ गैसेज इज बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। गैसों का अगर आयोनाइजेशन होगा तभी ये आगे डिटेक्टर्स काम करेंगे। गैस का आयोनाइजेशन ही नहीं हुआ, आयन से नहीं बने, तो सर्किट के अंदर करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो पल्स ही नहीं मिलेगी आउटपुट में, आउटपुट में पल्स ही नहीं मिली तो किसको स्टडी करेंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा पार्टिकल था, ठीक है। तो गैसेस डिटेक्टर्स का बेसिक प्रिंसिपल है आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। अब इसके अंदर भी क्या होता है, जैसे ही चैम्बर के अंदर क्या करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसको अपने डिटेक्ट करना है वो एंटर करेगा। जैसे कोई अल्फा पार्टिकल और बीटा में इतना फर्क होता है कि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी हाई होती है, ठीक है, और इनकी एनर्जी लो होती है। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो पार्टिकल एंटर कर रहा है अगर वो पार्टिकल हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल की ऊर्जा बहुत अधिक है, अगर उस कण की ऊर्जा अधिक है तो वो आयनाइजेशन कैसा करेगा, आयनाइजेशन करेगा, और अगर उस कण की ऊर्जा कम है तो आयनाइजेशन भी कैसा होगा, कम होगा। मतलब आयोनाइजेशन कितना होगा और कैसे होगा ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी पर। अगर चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा ज्यादा तो मतलब आयोनाइजेशन या आयनीकरण ज्यादा, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कम मतलब आयोनाइजेशन कम। अब मैंने अल्फा और बीटा पार्टिकल में दो चीजें बताई, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हाई होती है और बीटा पार्टिकल की एनर्जी लो होती है, तो अल्फा और बीटा पार्टिकल में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन ज्यादा करेगा या कम करेगा, ऑब्वियसली ज्यादा करेगा। बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम मतलब बीटा पार्टिकल आयोनाइजेशन कितना करेगा, कम या ज्यादा, कम आयोनाइजेशन। जिस पार्टिकल की एनर्जी कम उसका आयोनाइजेशन भी कम, आयोनाइजेशन कम मतलब सर्किट के अंदर करंट फ्लो भी कम होगा। आयोनाइजेशन कम करना मतलब वो कम आयंस को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वो बात अलग है कि हम प्रोपोर्शनल और जीएम रीजन तक पहुंचते हैं, वहां तक तो एकदम से हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता, क्योंकि पल्स साइट बहुत ज्यादा मिलती है। पल्स साइट ये बताती है कि आयोनाइजेशन कितना ज्यादा हो। अगर आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने कल आपको बेसिक प्रिंसिपल करवाया था वहां पे, मैं हर बार ऐसा बना रही थी, ऐसा करके सही कुछ था। अगर मतलब मैं अलग अलग रीजन में उसको बांट दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर ये सैचुरेशन करंट, फिर से उसकी वैल्यू बढ़ी, करंट की वैल्यू अभी और भी बढ़ रही है, यहाँ तक उसकी लिमिटेड प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है। मतलब बिल्कुल ऐसे रफ सा ग्राफ है, ऐसे मत समझना कि ये उसके अंदर भी जो मैंने चार्ज पार्टिकल लिए थे ना बुक के अंदर, वो अल्फा और बीटा के लिए दिखाते हैं। ये अल्फा के, ये बीटा के लिए होता है, यानी जिसकी पल्स साइड कम उसने आयोनाइजेशन कम किया था, और ये अल्फा पार्टिकल के लिए, तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पे इसलिए बता रही हूँ कि आपको मैं पल्स साइड से बता रही हूँ कि जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनकी पल्स साइड ज्यादा आती है, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनकी पल्स साइड कम होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहां बेसिक प्रिंसिपल में कोई चीज छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा वहां पे।
लेकिन ये चीज मैं आपको पल साइड में डिफरेंस बताने के लिए बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना उसके लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल एंटर किया, चार्ज पार्टिकल ने अपना काम शुरू किया, अपनी एनर्जी किसको दी, इलेक्ट्रॉन को दी, क्यों, क्योंकि वो एटम्स के साथ स्ट्राइक कर रहा था। जैसे ही वो एटम के साथ टकराएगा, परमाणु अणुओं के साथ टकराएगा, अपनी ऊर्जा किसको दे देगा, बाह्यतम कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी लेकर एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री होने का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि एटम्स का साइज थोड़ा बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होती है, और इन दोनों के बीच में रिपल्शन इस अट्रैक्शन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस एटम को छोड़ के फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में वैसे भी वो मतलब स्टेबल नहीं होता, और जो चीज स्टेबल नहीं होती वो हमेशा स्टेबल होने की ट्राई करती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को छोड़ के चला जाता है। तो फिर बनता सर्किट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। सब सर्किट के अंदर क्या बने, फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन्स बन गए हैं, ठीक है। ये चीज मैं एक बार रख कर रही हूँ, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे इसका। पेपर के अंदर ये करते टाइम आप ग्राफ, इन सारे डिटेक्टर्स में जिन जिन का ग्राफ आएगा, ग्राफ आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि नंबर पूरे ऐसे ही दोगे। पहले स्ट्रक्चर लिखोगे, तब लिखोगे कि भी मेटालिक चैम्बर है, चैम्बर को मैट्रिक एंटीग्रामिना से कनेक्ट किया, इसके एक्सिस के अलॉन्ग सेंट्रल वायर लगाई हुई है, सेंट्रल वायर को लोड रेजिस्टेंस आर एल से कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, मतलब ये जो वायर है एज एनोड काम कर रही है, बॉडी एज ए कैथोड काम कर रही है, लोड पे जो भी जैसे करंट फ्लो होगा वैसे क्या होगा, अपने को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे अपने को पल्स मिलेगी, जिसको पल्स काउंटर या एम्पलीफायर की हेल्प से हम पढ़ सकते हैं, और उसी की स्टडी से अपने को पता चलेगा कि पार्टिकल्स कैसे थे, ठीक है। अब मैं ग्राफ बना रही हूँ, अब हमने इसकी वर्किंग कर ली है। ग्राफ किसके अंदर बन रहा है, एज यूजुअल वोल्टेज और करंट के बीच में। तो अब देखो, आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल एंटर किया, या जो चार्ज पार्टिकल अपने को डिटेक्ट करना है वो एंटर किया गैस के अंदर, उसने क्या शुरू कर दिया, आयनाइजेशन शुरू कर दिया, मतलब गैस के अंदर क्या बनने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स और कुछ पॉजिटिव आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बनने शुरू हो गए सर्किट के अंदर, ठीक है। अब जैसे इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन बने, तो पहले पहले वोल्टेज की वैल्यू जीरो, करंट की वैल्यू जीरो, क्योंकि कोई एनोड के थोड़ी नहीं, किससे वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन इस केस में ये जो एनोड्स है या ये जो कैथोड है या ये जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है, ये आयन्स को उतनी ज्यादा अमाउंट में एक्सिलरेट नहीं कर पाएंगे जितनी एनर्जी इन चार्ज पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी होता है। अगर यहाँ से इसको एक्सिलरेशन कम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ अट्रैक्शन कम मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन यानी इस पॉजिटिव आयन के साथ रिकम्बाइन शुरू होने लग जाता है, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, रिकम्बाइनेशन रीजन, जो मैंने आपको किसके अंदर बताया था, प्रिंसिपल के अंदर, रिकम्बिनेशन रीजन। क्यों रिकम्बिनेशन हुआ, क्योंकि आयन्स के पास भी सफिशियंट एनर्जी है कि वो एक दूसरे की ओर मोशन करें, इलेक्ट्रोड्स या जो एनोड्स है या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बैटरी के कारण क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई होता है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इसको फोर्स लगा रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने के कारण जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एनोड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण इस रीजन में फिर रिकम्बिनेशन भी चलता रहता है। क्यों, क्योंकि आयन्स के पास भी एनर्जी है, अब ये इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव आयन से अट्रैक्शन फील होगा, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे, यहाँ वाला इस पॉजिटिव आयन से, तो इस रीजन में रिकम्बिनेशन होता है। सिमिलरली अगर कोई हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, उस केस में भी रिकम्बिनेशन होगा, लेकिन पल साइड थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। एक मिनट, मान लिया कि ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए पल साइड है, ये लो एनर्जी के लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से V1 पे पहुंच जाते हैं, फिर V1 से जब वोल्टेज की वैल्यू और बढ़ाते हैं, ये V1 वोल्टेज ऐसी वोल्टेज होती है कि अब रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाए, कौन जीरो हो जाए, मतलब V1 वोल्टेज पे पढ़ के क्या हो गया,
पे पहुंच के या वोल्टेज को जब वी वन कर दिया, उस केस में हमने इतनी इनफ वोल्टेज लगा दी कि आयंस आपस में अट्रैक्ट ना होने के बजाय ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की ओर मोशन करना शुरू कर दे और जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की ओर मोशन करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फोर्स सप्लाई कर रहा है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशियंट हो गया जिसके कारण क्या है, कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू मिलती है और वो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और इसी रीजन में हमारे पास क्या काम करता है, आयोनाइजेशन चैम्बर। तो जब आयोनाइजेशन चैम्बर आएगा तब हमें इतना ही ग्राफ बनाने, क्योंकि आयोनाइजेशन चैम्बर हमारा यहाँ तक इस रीजन में काम करता है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में वर्किंग लिखते टाइम आप यही चीजें लिखोगे कि वोल्टेज जब जीरो थी उस केस में कोई करंट नहीं था, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू वी से वी वन पे लेके गए तो हमारे पास क्या रिकम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि एनोड्स या जो इलेक्ट्रोड है वो आयंस की पे इतना ज्यादा एक्सीलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच सके, इसीलिए आयन आपस में रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू वी वन से आगे बढ़ाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट मिलता है। और इसी कांस्टेंट करंट जब ये लोड रेजिस्टेंस आरएल से पास आउट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा रेजिस्टेंस पे, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो हमें पल्स मिलेगी और इस पल्स को पल्स काउंटर या एम्पलीफायर की हेल्प से उसको एम्पलीफाई करके हम स्टडी करेंगे, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि जो चार्ज पार्टिकल या जो भी रेडिएशन इंसिडेंट करवाई है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, आयोनाइजेशन चैम्बर आपने पढ़ा, आयोनाइजेशन चैम्बर में आपको ऐसा ग्राफ मिला है ना, ऐसा ही ग्राफ है, लाइंस बिल्कुल ट्रेडिंग में नहीं जा रही है लेकिन ग्राफ ऐसा ही है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वी टू, यहाँ पे वोल्टेज वी वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे करंट आई और यहाँ पे क्या है वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। जैसे आपने आयोनाइजेशन चैम्बर पढ़ा आपको एक चीज समझ आई कि आयोनाइजेशन चैम्बर की खासियत क्या है, कि इसमें जो वोल्टेज है वो इतनी रखी जाती है कि एक तो रिकम्बिनेशन हो या ना, आयोनाइजेशन रीजन कौन सा है जिसके लिए रिकम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब आयोनाइजेशन चैम्बर ऐसी वोल्टेज पे काम करता है जहां पर रिकम्बिनेशन ना हो, और दूसरा मतलब वोल्टेज को इतनी हाई रखते हैं कि रिकम्बिनेशन ना हो पाए, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ाते कि हमारे पास क्या शुरू हो जाए, सेकेंडरी आयोनाइजेशन। सेकेंडरी आयोनाइजेशन कौन से रीजन में शुरू होता है, प्रोपोर्शनल रीजन में। देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, अगर आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा तो आपको पता है कि जिस जिस स्टेप की मैं बात कर रही हूँ उसमें मैंने हर चीज बहुत आराम से आपको बताई थी कि कहाँ पे कैसे आयोनाइजेशन वर्क करता है, कैसे आयन को एनर्जी और ज्यादा मिलती है। तो जब आप आयोनाइजेशन चैम्बर लिखोगे उसमें ये लाइन आप स्पेशली मेंशन करोगे कि आयोनाइजेशन चैम्बर जो है या आयन कोस्ट जो है वो ऐसी वोल्टेज पे काम करता है जिस वोल्टेज के अंदर क्या हो, रिकम्बिनेशन ना हो, प्लस वोल्टेज को इतना हाई रखा जाता है कि रिकम्बिनेशन ना हो पाए, लेकिन वोल्टेज इतनी भी ज्यादा हाई नहीं होती कि जो प्राइमरी आयोनाइजेशन में जो आयन बने थे वो फर्दर आयोनाइजेशन शुरू कर दे। प्रिंसिपल पढ़ा तो आपको मेरी ये वाली लाइन समझ आ रही होगी, और अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं क्या चीज बोल रही हूँ। देखो ये चैम्बर है, ये चैम्बर है मान लो, ठीक है, चैम्बर के अंदर क्या है, ये एनोड है, मैं वो इंसुलेटिंग मटीरियल भी शो कर, ये गैस भरी हुई है, यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर क्या किया, वो गैस भरी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आयोनाइजेशन चैम्बर तक पहुंच गया, मतलब मेरे पास आयंस बन गए हैं और अब वो रिकम्बाइन भी होना बंद कर चुके, इसीलिए सर्किट के अंदर कांस्टेंट हाइट वाली करंट मिला अपने को। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, अभी आयंस पड़े हैं, अब क्या करते हैं अपने वोल्टेज क्या करते हैं, आगे आगे जा रहे हैं, मतलब वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जब मैं वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा रही हूँ ये चीज आपको लिखनी है, और जिनको रिकम्बिनेशन या सेकेंडरी आयोनाइजेशन नहीं पता उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। देखो आप वोल्टेज को क्या और ज्यादा बढ़ाया, ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है, और ये जो पॉजिटिव आयंस है उसको बॉडी की ओर और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इस चैम्बर की बॉडी की ओर। ठीक है, तो मतलब इनको क्या करता है, ये जो
शेल्स है, आप ये समझ लो कि ये जो मेटालिक बॉडी है, ये ट्यूब जो है इसकी वॉल्स इसको पॉजिटिव आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर गया। अब यहाँ पे क्या अट्रैक्शन फोर्स, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो मतलब उनको एक्सेलरेशन फोर्स जो मिल रहा है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मतलब ये तेजी से इसकी ओर मोशन करना शुरू करेंगे, तो इनके पास एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि रास्ते में जब भी किसी आयन अणु के साथ या परमाणु के साथ गैस से टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जी सेम वो चार्ज पार्टिकल जैसे कर लेते हैं जिसको अपने को डिटेक्ट करना है। तो जैसे ये पॉजिटिव आयन इससे टकराएगा किसी एटम से तो वो अपनी एनर्जी बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर से वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और उस एटम में से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, मतलब प्राइमरी आयनाइजेशन, पहले जो आयन बने थे वो वापस से आयनाइजेशन या आयनन शुरू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी आयनाइजेशन। ठीक है, तो वो इसमें काम यही है, ये अल्फा, ये बीटा पार्टिकल के लिए होता है और ये अल्फा पार्टिकल के लिए होता है। अगर मैं इसके एडवांटेज बताऊँ आपको तो जो पहला इसका एडवांटेज है कि ये इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल को, मतलब जिन पे कोई चार्ज भी ना हो उन्हें भी ये डिटेक्ट कर सकता है, उदासीन कणों को भी। अब कैसे उदासीन कण, जैसे न्यूट्रॉन्स या कोई और पार्टिकल्स हो जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो उनको ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब ये उनको कैसे डिटेक्ट करता है, अगर चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करना है तो हम जो चैम्बर के अंदर मीडियम लेते हैं वो तो एयर या फिर हाइड्रोजन गैस या ऑर्गन CH4 लेते हैं, और अगर इसी चैम्बर के अंदर हमें न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करवाना है तो हमें BF3 गैस भरनी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो एडवांटेज है, पहली एडवांटेज ये कि ये काम बहुत अच्छे से करता है, जिन चार्ज पार्टिकल को इसने डिटेक्ट करना है तो एकदम एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट करेगा। और दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि उदासीन कण भी हो ना उनको भी ये डिटेक्ट कर देगा, मतलब जरूरी नहीं है कि जो पार्टिकल इस चैम्बर के अंदर एंटर कर रहे हैं वो चार्ज ही हो, हाई एनर्जेटिक न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अब न्यूट्रल पार्टिकल जैसे चैम्बर के अंदर अगर एक न्यूट्रॉन एंटर कर रहे हैं, न्यूट्रॉन एंटर किया तो न्यूट्रॉन के पास एनर्जी तो है क्योंकि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तभी वो मोशन कर रहे हैं। अब वो उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस क्रिएट होगा और सारा प्रोसेस वैसा चलता है। बस इस केस में हमें जो मटेरियल यूज करना है वो BF3 गैस यूज करनी है, गैसियस चैम्बर के अंदर। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब इस चैम्बर के अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल को जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब चैम्बर के अंदर हमने न्यूट्रॉन्स डाल लिया, ठीक है, बीम ऑफ न्यूट्रॉन डाल लिया, तो इस चार्ज पार्टिकल में जैसे ही पहला न्यूट्रॉन जाता है ना तो दूसरे न्यूट्रॉन की वर्किंग शुरू होने के लिए ना हमें कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए, मतलब एक अगर इसने पार्टिकल को, कोई जरूरी नहीं है न्यूट्रॉन, अगर अल्फा पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर रहे हैं ना तो पहला अल्फा पार्टिकल जैसे इसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगा ना तो दूसरे अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, इस चैम्बर को रेडी होने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगेगा, उसके बाद ये दूसरे को डिटेक्ट कर सकेगा। और बीम में आयंस इतनी तेजी से आते हैं कि मिली सेकेंड का टाइम उस टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इसकी पहली डिसएडवांटेज ये है कि ये जो चैम्बर है इसको, चैम्बर को किसी दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए रेडी होने में कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर टाइम लैग हो जाता है, टाइम यूज होना शुरू हो जाता है और पार्टिकल्स बिना काउंट किए निकलने शुरू हो जाते हैं। ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है। और दूसरी डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट कर सकता है, लो को नहीं कर सकता, यहाँ पे लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों है, ये जब इसकी कमियां और ये आपको लिखनी पड़ेगी। देखो ऐसा इसलिए है, मैं ये चीजें रफ कर रही हूं एक बार यहां पे बना दी, देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ मैं आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे वोल्टेज V2, यहाँ पे V1, यहाँ पे 0। ठीक है, ये मेनली 10 से लेके 200 वोल्ट के बीच में काम करता है ये वाला चैम्बर। ये तो वैसे वैल्यूज इतनी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको वर्किंग और ये चीजें याद हो तो
बढ़िया। अब देखो, अब ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है, इसकी कमी है ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? इसका रीजन ये है कि लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के लिए पल्स साइट बहुत कम मिलती है, और यहाँ पे देखो चैम्बर के अंदर काम ही किससे मिलता है, इस पल्स से। अगर पल्स हाइट ही बहुत ज्यादा क्या है, लो है, उसकी हाइट ही बहुत कम है, इतनी कम हाइट वाली पल्स उसको पढ़ना मुश्किल होता है, चाहे उसको एम्पलीफायर से एम्पलीफाई भी करवा लो तब भी उनकी हाइट इतनी सफिशियंट नहीं होती कि उनको उनको अच्छे से पढ़ा जा सके। इसीलिए सिर्फ हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पल्स हाइट लो होती है। लेकिन आगे आगे जैसे ही जाओ तो अपने को पता है वो पल्स हाइट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, कि इतनी बढ़ जाती है हाइट की लो और हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं मिल सकता। अब ये इसकी यही कमी थी कि ये सिर्फ लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, और दूसरा मिली सेकेंड का टाइम लगता है, इसीलिए हमारे पास दूसरे काउंटर की जरूरत पड़ी थी, जिसका नाम था प्रोपोर्शनल काउंटर। इसीलिए आया था ताकि ये जो कमी है लो और हाई चार्ज पार्टिकल्स वाले को उसको दूर किया जा सके। अब देखो, अगर आपके पेपर में आता है तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन बुक में एक डेरिवेशन किया हुआ, हम उस डेरिवेशन को भी कर लेते हैं। वैसे ज्यादातर जगह पे इसी थ्योरी को ही पूछा जाता है, तो वो थ्योरी तो कंप्लीट होती है। अब बुक में देखो कैसे करते हैं कि एक चैम्बर लिया, चैम्बर को मान लिया मैंने ऐसे शो कर दिया, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर ये क्या है, कोई सेंट्रल वायर है, ठीक है। अब मान लिया कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल, आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है, तो उस केस में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर किया तो वहां पे क्या हुआ, आयन्स क्रिएट हुए, ठीक है। मान लिया कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, ये वाले, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। अगर पेपर में आपको उतना भी करना हो तो उससे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि पेपर में इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डायग्राम, ग्राफ, इतने से वो बहुत लंबा आ जाता है, आगे करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बुक में दिया हूँ मैं, इसलिए करवा रही हूँ। बाकी हाई क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में भी इतना ही करवाया जाता है, पर आप कर लो, ठीक है। अब मान लिया कि आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल क्या है, जब जैसे इस चार्ज पार्टिकल ने इसके अंदर एंटर किया, उसने क्या किया, मान लिया कि किसी एक्स जीरो डिस्टेंस पे सारे के सारे जो आयन उसने क्रिएट किए, प्राइमरी आयन, इस एनोड से किसी एक्स जीरो डिस्टेंस पे वो पड़े हैं, ठीक है। यानी इसको बोला जाता है पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि आयन का ट्रैक बन गया। ट्रैक मतलब सारे के सारे आयन इस एक्स जीरो डिस्टेंस पे आके इकट्ठे हुए पड़े हैं एनोड के पास, ठीक है। तो ये क्या बना, आयन्स का ट्रैक बन गया, कहां पे, एनोड से एक्स जीरो डिस्टेंस पे, और दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी है, ठीक है। अब अपने को पता है मैं वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाऊंगी, मैंने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मतलब उनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है तभी मूव कर रहे हैं, और मूव क्यों कर रहे हैं, उस फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन्हें एक्सेलरेशन फील हो रहा है ना। तो मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी VE है, और जो पॉजिटिव आयन्स है उसको मैंने P से शो किया, उसकी वेलोसिटी क्या है, VP है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। आयन्स की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, तो आप लिखना कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VE है और पॉजिटिव आयन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VP है, ठीक है। और x जीरो डिस्टेंस पे एनोड से क्या है, आयन्स का ट्रैक बना हुआ, मतलब सारे के सारे आयन इसी लाइन पे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। ना तो पॉजिटिव आयन्स इन कैथोड की ओर जा रहे हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स इस एनोड की ओर मोशन कर रहे हैं, तो ये चीज क्लियर है। अब देखो, मुझे पता है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के सैचुरेशन करंट क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि इतनी वोल्टेज इनफ हो गई थी। ये करंट शो होने का मतलब ही क्या है कि वोल्टेज इतनी इनफ थी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड की ओर मोशन करना शुरू कर चुके हो, और जो हमारे पॉजिटिव आयन्स हैं वो कैथोड की ओर जाना शुरू कर चुके हो। अब यहाँ पे करंट मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब इसी ट्रैक से नीचे की ओर आएंगे एनोड की ओर, और जो पॉजिटिव आयन यहाँ पे पड़े होंगे वो ट्रैक से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब इस केस में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करें, इलेक्ट्रॉन ये जो दूरी है वो कम होती जा रही है अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर आने पर, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करें, एक्स जीरो माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यही एनोड है इसी की ओर आएंगे, अब कैथोड की ओर तो इलेक्ट्रॉन जाने से रहे, तो यानी कि एक्स जीरो माइनस कुछ डिस्टेंस कम हो रही है, वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मुझे निकालनी है डिस्टेंस कि इलेक्ट्रॉन्स ने अब कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जैसे जैसे वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे पता है वेलोसिटी कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने मान लिया कि टाइम टी हुआ, जब टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो था तब सारे के सारे आयन्स इस ट्रैक पे पड़े थे, जब कुछ ना कुछ टाइम की वैल्यू हुई तो आयन्स ने क्या किया,
दिया। अब देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन ने टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे सारे के सारे आयन ट्रैक पे पड़े थे, यानी कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। जैसे ही कोई ना कोई टाइम t हुआ तो वोल्टेज भी लगातार बढ़ाते गए, मतलब एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन्स को फील हुआ तो उनके पास क्या वेलोसिटी आई ve। तो अब वेलोसिटी आई तो x जीरो से डिस्टेंस की वैल्यू लगातार कम होगी क्योंकि वो एनोड की ओर आ रहे हैं, तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, v इज इक्वल्स टू d अपॉन t होता है, वेग इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब इलेक्ट्रॉन्स का वेग क्या है ve और टाइम किसकी बात कर रहे हैं t की। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगी ve into t। तो मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितनी डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है, x जीरो माइनस ve into t। सिमिलरली पॉजिटिव आयंस के लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो x जीरो, अब ये x जीरो तो ऑलरेडी है, अब ये सेंट्रल वायर से दूर जा रहे हैं, मतलब x0 में डिस्टेंस ऐड होती जा रही है, यानी x0 प्लस। अब यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस मैं निकालूं इसी फॉर्मूले से, तो vp इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन किसकी बात कर रहे हैं एट टाइम t की, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगी vp इंटू t। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है ये ट्रैक से क्या कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, मतलब एनोड के बीच यानी कि जो इलेक्ट्रोड की तरफ आते टाइम इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में आ रहे थे, तो वो डिस्टेंस कम हो रही थी इस सेंट्रल वायर से, और जो पॉजिटिव आयंस है वो सेंट्रल वायर से दूर जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस क्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे निकलती है डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स ने ट्रेवल की हुई है वो ये है, और जो पॉजिटिव आयंस ने ट्रेवल की वो ये है। अब मुझे पता है कि कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी को मैं सी लिख रही हूँ, संधारित्र की धारा Q अपॉन क्या होती है V। अब मुझे क्यों नहीं पता कि टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मुझे मैंने मान लिया कि इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर पूरे के पूरे चैम्बर में n पेयर ऑफ आयंस बने हैं, n पेयर ऑफ आयंस मतलब n इलेक्ट्रॉन बने हैं और n ही पॉजिटिव आयंस बने हैं, पेयर का मतलब जोड़ा, मतलब पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, ठीक है, तो मान लिया n आयंस के पेयर बने हैं। तो मैंने मान लिया कि किसी टाइम t पे इस एनोड की और कितने आयंस, अब ये सारे के सारे आयंस इंड्यूस्ड ही हो रहे हैं, कैसे इंड्यूस्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी चार्ज पार्टिकल या कोई भी रेडिएशन इसके अंदर एंटर की थी उससे आयनाइजेशन हुआ, आयनाइजेशन मतलब चार्ज पार्टिकल्स का इंडक्शन शुरू हुआ, प्रेरित हुए किसी से एनर्जी लेके। तो अब ये इंड्यूस्ड चार्ज पार्टिकल मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन्स के लिए QE है और पॉजिटिव आयंस के लिए QP है, ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो एट QET QE। अब यहाँ पे मुझे पता है चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा माइनस ए, है ना। अब मैं क्या करूं कि अगर इस डिस्टेंस को देख लूं कि कितने डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, देखो मैं अगर दोनों तरफ डिस्टेंस का डिवाइड लगा दूं तो कोई फर्क नहीं लगता, मैंने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और दो इलेक्ट्रॉन और कैथोड के बीच में, मतलब इस चैम्बर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो और ये जो एनोड पे पहुंचे हैं उनके बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो मुझे पता है वो टोटल डिस्टेंस तो d थी और इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ट्रैवल कितनी कर रहे हैं x जीरो माइनस v d, मतलब डिस्टेंस क्या है यहाँ से कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो d माइनस x जीरो माइनस v t। आप इसको इतना याद लिख सकते हो, वैसे तो उस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आप चार्ज किसी टाइम t पे निकालते टाइम ये देख लो कि मैं दोनों तरफ अगर डिस्टेंस के डिवाइड लगाऊं दूरी का तो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी d माइनस x जीरो माइनस वीई टी। सिमिलरली जब मेरे को पॉजिटिव आयंस के लिए निकालना है तो e चार्ज तो दोनों पे सेम होते लेकिन प्लस माइनस का फर्क होता है, इसलिए मैंने प्लस e शो कर दिया d माइनस x जीरो प्लस vp t, क्योंकि पॉजिटिव आयंस कितनी ट्रैवल कर रहे हैं इतनी अपॉन टोटल डिस्टेंस। ये d माइनस e कौन सी डिस्टेंस होती है, किसी टाइम t पर ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस एनोड के बीच की टोटल डिस्टेंस को देखा जाता है अपॉन टोटल डिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, तो यहाँ से ये आया Q। अब मुझे पता है कि C कितनी होती है Q by V, है ना, और यहाँ से C ये Q by V है, अगर मेरे को वोल्टेज निकालनी तो वो कितनी निकलेगी Q by C। देखो पेपर में ये करने की इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको करना हो तब आप कर सकते हो, इसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं V इज इक्वल्स टू Q by C। अब मुझे Q पता है कि वो कितना होगा, n pairs बन रहे हैं into QE plus QP। देखो अगर मुझे total charge निकालने हैं तो वो कैसे निकलेगा, n pair मतलब n ही इसके अंदर electron बन रहे हैं, n ही इसके अंदर positive ions बन रहे हैं, तो मुझे पता है मैंने QE और QP तो निकाल लिया, कितने positive ions बन रहे हैं कितने electrons बन रहे हैं, मैंने कैसे निकाला, electron पे charge minus का तो इसलिए minus ही। अब किसी time t की बात कर रहे हैं तो किसी time t पर electron और anode
के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं, मतलब एनोड पे जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचे और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, ये चार्ज निकालने का तरीका होता है, आपको आता होगा। तो यहाँ से वी क्या निकला, एन इंटू, यहां से क्या आया, क्यू ई की वैल्यू मैं रख दू माइनस ई इंटू डी, या मैं ई कॉमन ले लेती हूँ, या चलो पढ़ा रहने देते हैं, डी माइनस एक्स जीरो, ये माइनस वी ई टी एन एस को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस वी ई टी, क्योंकि मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, अपॉन में क्या है डी, प्लस ये एन अपॉन सी हम बाहर ले लेते हैं, ई इंटू डी माइनस एक्स जीरो माइनस वी पी टी अपॉन डी। तो अगर मैं इन दोनों को अब सॉल्व करूं तो ये कैसे बनेगा, देखो ये चीज भी रख कर दू, यहां से v की वैल्यू क्या आई है, n बाय सी, e को मैं कॉमन ले रही हूं, n बाय सी ई, ये वाला e और ये वाला e दोनों कॉमन ले रही है, तो यहां पे क्या बचा, माइनस का साइन है, तो माइनस का d माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस का x जीरो माइनस का v ई टी, प्लस का d माइनस x जीरो माइनस v पी टी। तो जो चीजें कैंसिल होती है वो क्या, अब देखो मैंने क्या किया, ये d से d गया, ये x जीरो से x जीरो गया, अब मेरे पास बचा क्या, v इज इक्वल्स टू, ये चीजें भी मैं रख कर रही हूं, ठीक है, v इज इक्वल्स टू, ये चीज मैं यहां पे लिख रही हूं, e n c, और ये वाला d भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, इंटू माइनस का v e t प्लस माइनस का v p t बचता है ना, माइनस का v p t, तो v इज इक्वल टू, मैं माइनस कॉमन लू तो माइनस ई एन सी डी अपॉन वी ई, ये t भी कॉमन ले लू, वी ई प्लस वी पी बचता है ना, मैं इसको क्या ले लेती हूँ, v इज इक्वल टू, ये स्मॉल बनाना, ये वेलोसिटी और ये वोल्टेज है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या है, v की जो भी वैल्यू, यहां से हमें एक चीज पता चलता है, v किसके प्रोपोर्शनल है, n के, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास, अब ये लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को क्यों नहीं डिटेक्ट करता था, इसका रीजन ये था कि देखो एक तो पल्स हाइट आई, दूसरी यहां से रीजन निकलता कि v इज प्रोपोर्शनल टू n, वोल्टेज चाहे कितनी भी बढ़ा लो नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंड करती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे हमें उतनी ज्यादा वोल्टेज चाहिए, अब लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स अगर आएंगे तो वो आयनाइजेशन कितना करेंगे, कम करेंगे, कम करना मतलब नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, कम होंगे, अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो हमें वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हम किस रीजन में पहुंच जाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी रीजन में, जहां पे प्राइमरी आयनाइजेशन के साथ साथ सेकेंडरी आयनाइजेशन भी होना शुरू हो जाता है, और आयनाइजेशन चैम्बर काम ही इतनी वोल्टेज पे करता है जहां पर रिकम्बिनेशन ना हो प्लस सेकेंडरी आयनाइजेशन ना हो, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन, यही चीज दिखा रहा है कि लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स में एन की वैल्यू कम होगी, और कम वैल्यू के लिए वी को हमें और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अगर वी को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है सर्किट में क्या सिर्फ आयंस ही बढ़ेंगे, आयंस तो बढ़ेंगे साथ में पॉजिटिव जो प्राइमरी आयंस थे उनके पास भी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सेकेंडरी आयनाइजेशन शुरू कर देंगे, तो जो आयनाइजेशन चैम्बर जिस रीजन में काम करता था वो पर्पज ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता। ये किया कैसे है कि किसी x जीरो डिस्टेंस पे मैंने ट्रैक बना दिया, इलेक्ट्रॉन्स क्या यहाँ पे अंदर की ओर मोशन करेंगे यानी डिस्टेंस कम करते जाएंगे, और पॉजिटिव आयंस इससे बाहर की ओर जाएंगे यानी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इसीलिए इसकी वैल्यू ऐसे निकली थी कि इलेक्ट्रॉन ने x जीरो माइनस वी की टी ट्रैवल की और इसने x जीरो प्लस वी पी टी ट्रैवल की। अब c हमें पता है कि q बाय v होता है, और वहां से हमें अगर किसी टाइम t पे चार्ज निकालना है तो वो इस तरीके से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस e, किसी टाइम t पे निकालना मतलब किसी टाइम t पे वो पहुंचे कहां, वो देखने के लिए दोनों की टोटल डिस्टेंस एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है कि फेवरेबल अपॉन टोटल निकलता है कि अब टाइम t पे ये है कहां, उसे देखने के लिए अगर मैं d में से जो ट्रैवल उसने डिस्टेंस ट्रैवल की उसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन इतने इतने पार्ट में वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे घूम रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी कितना होता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम टोटल डिस्टेंस में से इस तरीके से लिखता है, तो उसी तरीके से क्यू पी की निकले, फिर मुझे c और इसके अंदर एक रिलेशन पता था तो ये मैंने रिलेशन को यूज करके इसको जैसे जैसे आगे सॉल्व किया तो v इज प्रोपोर्शनल टू n आया, यहाँ से पता चलता है कि अगर हमें लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट करना है तो हमें वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी आयनाइजेशन के साथ साथ सेकेंडरी टर्शियरी या और भी ज्यादा फर्दर आयनाइजेशन शुरू हो जाएगा जो हमें इस रीजन के अंदर नहीं करवाना होता, क्योंकि आयनाइजेशन चैम्बर सेकेंड रीजन में काम करता है, उसमें रिकम्बिनेशन नहीं होता लेकिन साथ साथ आयनाइजेशन भी फर्दर नहीं होता। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही है, अब करना चाहो तो कर सकते हो एग्जाम में, नहीं तो थ्योरी, वर्किंग, ग्राफ, स्ट्रक्चर, इतने में ही काम आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।